आप सभी को अभी कुछ देर पहले हमने एक पेज से अपने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक छोटा बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से गाना गा रहा था, सुइया जहर के लगवा दी मंजे। और अभी हम अपने गांव आए हैं करघर, और हमें पता नहीं था कि ये बच्चा हमारे गांव से रिलेटिव है, हमारे गांव का भांजा है। एक बड़े भाई हमारे मिथिलेश पांडे जी भांजे हैं ये। बताइए बेटा अपना नाम बताइए। अमन कुमार तिवारी मेरा नाम है। वो गाना गाइएगा जो आप गा रहे थे। एरो का लेरो का मक्खिया से नीरे रे लागो देही में तेरे रोहो का लेरो कात नहीं कवनो बैद के बोला हाली कवनो बैद के बोला दे मायरे बिना जान के जियल नहीं जाई हमके सुइया जहर के लगवा दे मायरे बिना जान के जियल नहीं जाई हमके सुइया जहर के लगवा दे मायरे बिना जान के। बहुत अच्छे अमन। और आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर? आप आपका क्या सोचते हो कि क्या बनना है आपको? सोचते हैं सिंगर। अच्छा, आप सिंगर बनना चाहते हो। ओके, तो अगर अभी आप पढ़ाई करते हो किस क्लास में? 8 में। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। अभी आपके माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से हम बताना चाहते हैं वो भी वाले भविष्य हैं भोजपुरी के, वो कभी भी अपना पढ़ाई छोड़ के इस लाइन में ना आए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे पहले, उसके बाद इस लाइन में अपना हाथ आजमाए, इसको अपना करियर बनाए। यही कहना चाहूंगा कि अपने अपनी पहले पढ़ाई सबसे यही कहता चाहते हो सिंगर को। मैं तो बोलता हूँ कि अपने पहले पढ़ाई का, उसके बाद जो बना होगा उसकी तरफ सोचें। बहुत अच्छा गा रहे हो आप। और अब मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे कि लाइफ में आपको सिंगर बनने के लिए कभी आप हमसे बोलिए, ठीक है? आप तो एक कंपनी है हम लोगों की रिद्धि में, ठीक है? तो ऐसे ही गाते रहो, दिल से गाते रहो, पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आओगे तो रिद्धि म्यूजिक से आपका